Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. Hello students, ये data structure का chapter 10 है. पिछले वीडियो में array के specific index पे आपने data को insert करना सीखा था. जरा उसी program को access कीजिए, उसमें कुछ और भी सीखना है आपको. और भी इस तरह के वीडियोज आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगी. चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए. पिछले वीडियो में ये फाइल हमने क्रिएट किया था array insertion operation .cpp के नाम से. देखिए लास्ट में हमने सभी इंडेक्स के नंबर्स को यानी कि array के सभी इंडेक्स को मैनुअली प्रिंट किया था. हमने खुद से राइट किया था 0, 1, 2, 3, 4. लूप के अकॉर्डिंग इसे एक बार में प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे समझिए. पहले तो i वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे. फॉर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लूप चला सको. i का वैल्यू 0. देखिए लूप कितना टाइम चलाएंगे यानी कि 0 से लेकर कब तक लूप चलाएंगे. एडे में पहले से 4 डेटा यहाँ पे मौजूद है और फिर यहाँ पे हमने एक और डेटा एडे में रख दिया तो टोटल एलिमेंट का कलेक्शन कितना हो गया एडे में 5, क्योंकि 4 एलिमेंट यहाँ और 1 एलिमेंट यहाँ पे. तो लूप तब तक चलाएंगे जब तक आई का वैल्यू 5 से छोटा होगा. आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कीजिए. ये रहा फॉर का बॉडी. सीआउट का इस्तेमाल करेंगे और फिर एक्स आई को पास कर देंगे. तो ऐसा करने से क्या होगा, आई का वैल्यू चेंज होता जाएगा डायनेमिकली जब जब लूप चलेगा. फर्स्ट टाइम 0, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे करके सभी इंडेक्स का डेटा प्रिंट हो जाएगा. टेस्ट करने से पहले यहाँ पे \n जरूर दे दीजिए ताकि सारा नंबर ब्रेक होकर प्रिंट हो. रन कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया. सबके पहले स्पेसिफिक इंडेक्स को डिस्प्ले करना तो कैसे होगा समझिए. यहाँ पे स्ट्रिंग के शब्दों में अगर आप ऐसे राइट करते हो x0, फिर यहाँ पे आप इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कीजिए. देखिए जब जब डेटा का प्रकार बदलेगा तब तब इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट के अंदर जाएगा. जैसे स्ट्रिंग था तो एक तो इससे पहले होगा, फिर स्ट्रिंग के बाद यहाँ हमने वेरिएबल के रूप में एरे एक्सेस किया तो इसके पहले भी इंसर्शन ऑपरेटर होगा, और फिर इस एरे के बाद फिर से स्ट्रिंग के शब्दों में \n एक्सेस हुआ तो फिर यहाँ पर हम इंसर्शन ऑपरेटर का सिंबल देंगे. जरा यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दीजिए, रीडेबिलिटी अच्छा हो जाएगा. रन कीजिए, देखिए क्या हुआ, हर जगह पे 0 दिखा. यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे दिखना चाहिए. तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ जो हमने 0 पास किया यहीं पे हमें i को डिफाइन करना होगा, क्योंकि i का वैल्यू ही फर्स्ट टाइम 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. तो वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे i चाहिए. तो अगर आप यहाँ पे i राइट कर दोगे तो ये वेरिएबल के रूप में ट्रीट नहीं होगा क्योंकि आपने डुअल कोट के अंदर लिखा, इसीलिए इसे स्ट्रिंग मान लिया जाएगा. आप चाहते हो ये वेरिएबल के रूप में ट्रीट हो तो आपको इसे डुअल कोट से बाहर निकालना होगा. तो इस तरह से डुअल कोट से बाहर निकाल लीजिए. यहाँ भी इंसर्शन ऑपरेटर देंगे और यहाँ पे भी इंसर्शन ऑपरेटर देंगे तो क्या होगा समझिए. पहले ये प्रिंट हो जाएगा यानी कि कुछ इस तरह से ऐसे प्रिंट होगा इसकी वजह से. फिर इसके बाद देखिए क्या है आई, तो आई में जो वैल्यू आएगा वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा. फिर ये प्रिंट होगा, देखिए जो भी हमने यहाँ पर प्रिंट करने का कोशिश किया वो यानी कि ऐसे. समझ में आया, वेरिएबल इस्तेमाल करना था इसलिए मैंने यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया. तो ये इंसर्शन ऑपरेटर इसके लिए, ये इंसर्शन ऑपरेटर इसके लिए, और ये इंसर्शन ऑपरेटर इसके लिए. टेस्ट कीजिए, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 आ गया और किस इंडेक्स पे कौन सा डेटा गया वो भी आपको पता चल गया. तो ये प्रोग्राम है कि आप 0 इंडेक्सिंग नंबर पे किसी डेटा को कैसे रखोगे एरे के अंदर, यानी कि एरे के फर्स्ट प्लेस पे डेटा को आप कैसे रखोगे. लेकिन किसी और प्लेस पे रखना है तो सपोज कीजिए यहाँ रखना है तो इसका इंडेक्स क्या है, काउंट कीजिए 0, 1. तो व्हाइल के अंदर इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, जब तक लेंथ का वैल्यू 1 के बराबर होगा या बड़ा होगा तब तक चलेगा. और फिर यहाँ जिस तरह हमने 0 में 10 को असाइन किया यहाँ पे हम 1 में असाइन कर देंगे. तो ऐसा करने से डेटा लॉस भी नहीं होगा और 1 इंडेक्स पे डेटा आपका चला जाएगा. वैसे ही किसी और इंडेक्स पे चाहिए होगा तो वो इंडेक्स यहाँ भी देंगे और यहाँ भी देंगे. देखिए 0 पे 12 है लेकिन 1 इंडेक्स पे क्या है 10. वैसे ही 2 इंडेक्स पे चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 देंगे और यहाँ पर भी 2 देंगे. रन कीजिए, देखिए इस बार जो 10 है वो कहाँ गया, 2 इंडेक्स पे. जरा ये समझिए कि लास्ट इंडेक्स पे आप डेटा कैसे रखोगे. अगर लास्ट इंडेक्स पे डेटा आपको रखना है तो आपको
लूप चलाने की आवश्यकता नहीं है व्हाइल की सहायता से। देखिए कैसे रखेंगे। काउंट कीजिए 0, 1, 2, 3। तो 3 इंडेक्स इसका लास्ट इंडेक्स है। हमें ये डेटा लॉस करना होगा तो हम 3 इंडेक्स एक्सेस करके डेटा रख देंगे, लेकिन हमें ये डेटा लॉस नहीं करना है इसलिए हम नेक्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करके डेटा रख देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस एरे के सबसे लास्ट इंडेक्स पे आपका 10 चला जाएगा। रन कीजिए, देखिए लास्ट इंडेक्स पे 10 आ गया। तो एकेडमी में जिस तरह से डेटा इंसर्ट किया जा सकता है वो सारा आपने इंसर्शन वाले चैप्टर में पढ़ा। अब समझिए कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से एरे के डेटा को कैसे डिलीट करेंगे, यानी कि अब आपको डिलीशन ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखना है। एक्सपेक्ट कीजिए कि ये जो 1 इंडेक्स पे डेटा है 14, मुझे इसे डिलीट करना है। कैसे होगा, इंडेक्स 1 का डेटा डिलीट करना है, इसका मतलब इंडेक्स 2 के डेटा को इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जैसे ही शिफ्ट करेंगे इंडेक्स 1 का डेटा डिलीट हो जाएगा। फिर इंडेक्स 2 आपका खाली हो गया तो इसकी जगह पे इंडेक्स 3 के डेटा को शिफ्ट कर देंगे। फिर 3 खाली हुआ तो इंडेक्स 4 के डेटा को शिफ्ट कर देंगे। सारा डेटा आ जाएगा अपनी जगह पे, तो फिर जो ब्लॉक बच जाएगा उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए भी सेपरेट फाइल क्रिएट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दिया, चैप्टर 4-array_delete.cpp। इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को आप इस तरह से राइट कर दो। एक एरे क्रिएट कीजिए, मैं यूजर से इनपुट लेकर पहले इसमें डेटा को रखूँगा। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ 5, मतलब एक्स का लेंथ हो गया 5। अब एक्स में 5 अलग अलग एलिमेंट रखे जा सकेंगे। तो 5 अलग अलग एलिमेंट को इनपुट के रूप में लेने के लिए लूप चलाना होगा। लूप चलाएंगे तभी तो 5 टाइम्स यूजर के सामने सी इन को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो देखिए मैंने 4 के बॉडी को शुरू किया, 0 से लूप चलना शुरू होगा, तब तक चलेगा जब तक एरे में डेटा होगा। तो एरे का लेंथ है 5, तो आई का वैल्यू जब तक 5 से छोटा होगा तब तक लूप को चलाएंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए, सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और यूजर को मैसेज दे दीजिए यहाँ पे एंटर अ नंबर। बैक स्लैश एन का इस्तेमाल कर लेंगे, जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उसे एक्स के पहले इंडेक्स पे रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे एक्स आई पास करेंगे तो एक्स का फर्स्ट टाइम 0 इंडेक्स एक्सेस होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ओके, तो ऐसे करते करते आपके एरे में डेटा चला जाएगा। जैसे ही डेटा आपके एरे में जाएगा पहले यूजर को यहाँ पे मैसेज दे दीजिए। मैंने मैसेज के रूप में ऐसे प्रेजेंट कर दिया योर डेटा, बैक स्लैश एन का इस्तेमाल कर लीजिए। एरे के सभी डेटाओं को प्रिंट भी करना है हमें, जो यूजर ने इनपुट किया उसे। तो फिर से लूप चलेगा क्योंकि सभी इंडेक्स के डेटा को अलग अलग प्रिंट करना है हमें। तो देखिए फॉर में ऐसे पास करेंगे कि 0 से लेकर लूप तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू 5 से छोटा होगा। सी आउट का इस्तेमाल कीजिए, फिर यहाँ पे एक्स आई को एक्सेस कर लेंगे और बैक स्लैश एन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हुआ, हमने कैसा प्रोग्राम बनाया, पहले यूजर से हमने एक एक करके इनपुट लिया और फिर एक एक करके उसी इनपुट को यूजर के सामने हमने प्रिंट कर दिया। तो देखिए मैं रन करता हूँ यहाँ पे, मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट किया, सेकेंड, थर्ड नंबर, फिर फोर्थ और फिर, तो देखिए सारा नंबर प्रिंट हो गया, 10, 12, 36, 56 और 96। अब यूजर को कहेंगे कि आप कौन से इंडेक्स का डेटा डिलीट करना चाहते हो। तो पहले यूजर को यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर एरे इंडेक्स टू डिलीट। अब इसके बाद यूजर इंडेक्स नंबर को इनपुट करेगा, तो उस इंडेक्स नंबर को जरा किसी वेरिएबल में रखिए। जैसे मैंने इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यूजर जो भी इंडेक्स नंबर इनपुट करेगा उसे हम इसी वेरिएबल में रख देंगे। तो सी इन का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे इंडेक्स के अंदर उस इंडेक्स नंबर को रख दीजिए। सपोज कीजिए यूजर ने 1 इंडेक्स इनपुट किया, तो 1 इंडेक्स का मतलब हो गया कि इस एरे के 1 इंडेक्स पे जो डेटा होगा वो, तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे और 1 इंडेक्स के डेटा पे पहले 2 इंडेक्स के डेटा को रखेंगे, फिर 2 इंडेक्स के जगह पे 3 को रख देंगे, फिर 3 इंडेक्स के डेटा की जगह पे हम 4 इंडेक्स के डेटा को रख देंगे। तो जब भी डिलीट करना हो आपको, तो देखिए आई का वैल्यू यहाँ पे वो होगा जो यूजर ने इंडेक्स नंबर इनपुट किया, मतलब लूप वहाँ से चलाएंगे जिस इंडेक्स का डेटा आपको डिलीट करना है। तो अगर आप आई में इंडेक्स को असाइन कर दोगे तो आई का वैल्यू क्या सेट हो जाएगा, यूजर ने जो इंडेक्स नंबर इनपुट किया वो। तो अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो 1 जाएगा आई में। कब तक लूप चलेगा, जब तक एरे में डेटा होगा तब तक। तो एरे का लेंथ है 5, इसीलिए हम यहाँ पे पास कर देंगे 5।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिफाइन कर दीजिए। बस हम यहाँ पे देखिए जरा एक्स एरे को एक्सेस करेंगे, इंडेक्सिंग नंबर के रूप में आई के वैल्यू को पास करेंगे। तो इसे क्या होगा, जो इंडेक्स यूजर को डिलीट करना था वही इंडेक्स एक्सेस होगा और उस इंडेक्स पे अगले इंडेक्स के डेटा को रखना है, इसीलिए हम 1 को ऐड कर देंगे। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो वो इंडेक्स का डेटा डिलीट हो जाएगा जो यूजर ने इनपुट किया, क्योंकि जो इंडेक्स यूजर ने इनपुट किया उस इंडेक्स पे तो उसके बगल इंडेक्स का डेटा आ जाएगा, फिर बगल वाला इंडेक्स का डेटा खाली हो जाएगा, फिर अगली बार जब लूप चलेगा तो अगले इंडेक्स का डेटा जो खाली हुआ वहाँ जाएगा। इसके टेस्टिंग करने के लिए फिर से लूप चलाएंगे, क्योंकि मल्टीपल डेटा यहाँ पे 0 से लूप चलाना शुरू करेंगे। और देखिए एरे के अंदर से आपने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे पास कर देंगे 4, क्योंकि पहले एरे का लेंथ था 5, एक आपने डिलीट कर दिया तो लेंथ हो जाएगा 4, इसीलिए लूप तब तक चलाएंगे जब तक आई का वैल्यू 4 से छोटा होगा। टेस्टिंग करने के लिए cout का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए xi, \n का इस्तेमाल कर लीजिए इस तरह से और रन कीजिए। मैंने पहला नंबर इनपुट किया, फिर अगला नंबर, ऐसे ही करते करते 5 नंबर्स को इनपुट कर देंगे। जैसे ही मैंने इनपुट किया पांचों नंबर प्रिंट हो गया। अब पूछा जा रहा है कि जो इंडेक्स का डेटा डिलीट करना है वो पास कीजिए यहाँ पे। तो सपोज कीजिए आपको 6 को डिलीट करना है, तो काउंट कीजिए 0, 1, 2, 6 का इंडेक्स है 2, तो यहाँ पास कर देंगे 2। अब देखिए गौर से 10, 23, 9 और 58, यानी कि यही चारों डेटा आया, 6 नहीं आया। क्यों नहीं 6 आया, क्योंकि 6 डिलीट हो गया, क्योंकि वो 2 इंडेक्स पे था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी हो सके। बेहतर जानकारी के लिए आप सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।